नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के मामले में अदालत ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये न्यायपालिका के नहीं बल्कि कार्यपालिका का मामला है, इसलिए एलजी और राष्ट्रपति तय करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि एक PIL लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए, और इसकी मांग करते हुए जो PIL लगाई गई थी उसको अदालत ने साफ तौर पर एंटरटेन करने से मना कर दिया है। और ये भी कहा है कि ये पहली बार बेशक ऐसी स्थिति पैदा हो रही हो कि कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और उसके पद पर रहने न रहने को लेकर फैसला करना है, लेकिन ये कार्यपालिका का साफ तौर पर मामला है, यानी कि LG और राष्ट्रपति तय करेंगे कि आखिरकार आगे क्या होना है, और ऐसी कोई इमरजेंसी की स्थिति नहीं है। इससे पहले जो PIL लगाई गई थी उसमें कहा गया था कि प्रदेश की जनता के लिए, यानी दिल्ली प्रदेश की जनता के लिए, ये ठीक नहीं है कि अंदर मुख्यमंत्री बैठ करके अपनी कार्रवाई को अंजाम दे और अंदर से सरकार चलाए। हालांकि इससे पहले केजरीवाल ने साफ किया था कि वो किसी भी तरीके से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब स्थिति ये पैदा हो गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के चलते तमाम सियासी दावपेच शुरू हो जाएंगे और केजरीवाल का जेल के भीतर से सरकार चलाना कितना आसान होगा ये भी देखने की बात होगी। अब संभावनाएं जो बन रही हैं उसके मुताबिक या तो केजरीवाल पद से इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं, जिसमें उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है और साथ ही साथ उनके वरिष्ठ सहयोगियों का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और इस बात का इंतजार करते हैं कि आखिरकार सरकार, केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रपति और LG क्या करते हैं, तो ऐसे में उनके सामने मुश्किल भी आ सकती है, और वो ये मुश्किल हो सकती है कि कहीं यहाँ पर राष्ट्रपति शासन न लगा दिया जाए। लेकिन एक रास्ता और बचता है जिसमें कि वो किसी और को पद पर बिठा करके इस बात की मोहलत मांग सकते हैं कि वो अपना जो पावर है, जो अपना जो समर्थन है, जो अपनी सरकार की ताकत है, उसको साबित करने का मौका मांग सकते हैं और उसके लिए उनको बाकायदा मौका दिया जा सकता है। कई दांव पेच हैं कानूनी रूप से और सियासत भी इस पर जोरों चल रही है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि जो PIL दाखिल हुई थी उस पर अदालत ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, और नतीजा यह है कि अब जो गेंद है वो पाले में है राष्ट्रपति और LG के, कि आखिरकार वो इस पर क्या रुख अपनाते हैं। और साथ ही साथ केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं ये भी वक्त के साथ पता चलेगा, क्योंकि अभी उनकी कोर्ट में पेशी भी चल रही है और इसके साथ ही साथ ये सब सियासी दावपेच और ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फिलहाल जो दिल्ली की राजनीति है लोकसभा चुनाव के बीच में ज़्यादा गरमाई हुई है और ये तय होना है कि केजरीवाल कुर्सी पर बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। अगर वो जेल के भीतर से ही सरकार चलाते हैं तो वो अपनी ताकत कितनी लगा पाएंगे लोकसभा चुनाव में, ये भी बड़ा सवाल है, और अगर वो बाहर आते हैं और वो पद पर नहीं बने रहते हैं तो भी उसका उनको कितना सियासी फ़ायदा मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक जो केजरीवाल हैं उनको जमानत भी नहीं मिल सकती, वो जेल के भीतर रहेंगे। अगर वो पद पर नहीं रहते हैं तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, ऐसे में उसको लीड करना, उसको लोकसभा चुनाव के लिए एकदम प्रोग्रेसिव तरीके से, एग्रेसिव तरीके से चुनाव में उतार पाना किसके बूते की बात होगी ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल केजरीवाल पर जो ये फैसला आया है बेहद अहम फैसला है कि इस पूरे मामले में कार्यपालिका को तय करना है कि आखिरकार वो कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप करने से इनकार कर रही है। तो ये है दिल्ली की अब तक की सबसे सियासी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खास खबर। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।